दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और ठंड ऐसी है कि आपका खून जमा दे। लेकिन तभी आपको एक उम्मीद दिखती है, अपने सामने एक हेलीकॉप्टर दिखता है, लेकिन वो भी आपके सामने ही क्रैश हो जाए। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। वेल, कहानी की शुरुआत होती है स्मित नाम के आदमी से, जो कि एंटार्क्टिका में पिछले 60 दिनों से फंसा हुआ है। दरअसल वो कुछ लोगों को लेकर दूसरी ओर जा रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ खराबी के कारण उसका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सभी लोग मारे गए। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन अब वो हर रोज खुद को कोसता है कि उसे उस दिन मर जाना चाहिए था। कम से कम वो हर दिन इस तकलीफ से तो नहीं गुजरता। पर अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। उसने इतनी दिनों में यहाँ पर जीना भी सीख लिया है। उसने एक बड़ा सा SOS का मार्क भी बना दिया है, ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से जाए तो उसे देख सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके पास कोई मैप भी नहीं है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। बस साथ है तो एक बैकन नाम का कनेक्टिंग मशीन, जिसके हैंडल को घुमाने से किसी आसपास वाले रेडियो से उसका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे बीहल और ठंड भरे इलाके में कौन अपना रेडियो लेकर घूमेगा, ये बात उसे समझ नहीं आती। यही वजह है कि उसे हर दिन यही रूटीन बन गया है। वो रोज सुबह उठता है, बेकन को लेकर ऊंची ऊंची जगहों पर जाता है और उसको घुमाता है कि शायद उसकी मदद के लिए कोई यहाँ पर आ सके। उसने खुद के खाने के लिए दूर कमजोर बर्फ की सतह पर कुछ ट्रैप भी लगाया है, ताकि वहां पर कुछ मछलियां फंस जाएं। और इस चीज में वो कामयाब भी हुआ है, क्योंकि उसे हर रोज एक मछली नसीब से मिल जाती है, जिससे वो खुद का गुजारा कर लेता है। लेकिन उसे वो मछलियां कच्ची ही खानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आग जलाने का जुगाड़ नहीं है। अब वो इन पकड़ी हुई मछलियों को एक कंटेनर में इकट्ठा करता रहता है, ताकि अगर किसी दिन कोई तूफान आ जाए तो उसके पास खाना पहले से मौजूद हो। अब अगले दिन वो बेकन लेकर फिर से ऊपर जाता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता। तो अपने हाथों से बनाए हुए एक मैप में निशान लगा देता है, ताकि उसे याद रहे कि वो यहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद वो कुछ ही दूरी पर बनी एक जगह पर जाता है, जहाँ बहुत सारे पत्थर रखे हुए। वो उनके ऊपर से बर्फ हटाकर उनसे बात करता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ उसने उन लोगों को दफनाया है जो उस प्लेन में क्रैश होकर मारे गए थे। अब वो वापस प्लेन में आता है और देखता है कि जो उसने मछलियां स्टोर करके रखी थी वो अब वहां पर नहीं है। उसे एक बारी तो लगता है कि शायद उसके अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब वो थोड़ी दूरी पर पोलर बियर के पैरों के निशान देखता है तो बहुत डर जाता है और फौरन जाकर प्लेन के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे इस ठंड के साथ साथ उस खतरनाक जानवर का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि उसकी जिंदगी और मुश्किल बना देगा। अब इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं और एक दिन बहुत ही बर्फीला तूफान आता है। लेकिन स्मिथ फिर भी बैकन को लेकर ऊंची चट्टान पर जाता है, जहाँ वो उसे हैंडल को घुमाता है और आज लकीली उसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है, जिसका मतलब था कि कोई ऑब्जेक्ट आसपास ही है। वो चारों ओर देखता है लेकिन ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी सामने से उसे एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फौरन अपने हाथों से बनाई एक फ्लेयर को जलाता है और वेव करने लगता है, जिससे कि वो लोग इसे देख लेते हैं। अब उन्हें देखकर स्मिथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। न जाने कितने दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हंसी थी। पर यहाँ चंद ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तूफान अब इतना तेज हो गया था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डगमगाने लगता है और सीधा आकर जमीन से टकरा जाता है। दोस्तों, अगर आप पिछले 10 दिनों से प्यासे हों और फाइनली आपको पानी की बॉटल मिल जाए, लेकिन तभी वो बॉटल फट जाए और सारा पानी आपके सामने गिर जाए, तो ऐसे में जो आपको महसूस हो रहा होगा, यहाँ स्मिथ भी वही सेम फील कर रहा है। उसके सामने उसकी आज़ादी को इस तूफान ने छीन लिया। पर यहाँ वो उनके पास भागते हुए जाता है, ताकि अगर बैठे हुए लोगों की मदद कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि पायलट की मौत हो गई है, पर उसके साथ बैठी एक लड़की की सांसें अभी चल रही है और इसीलिए वो उसके जख्म पर फर्स्ट एड लगाता है। लेकिन अभी भी वो लड़की बेहोश ही थी, इसलिए वो पायलट को बाहर निकालता और उस हेलीकॉप्टर के गेट को तोड़कर उसके ऊपर उस लड़की को लिटा देता है और फिर उसे घसीटता हुआ अपने प्लेन तक लेकर आता है। इसमें उसे थोड़ी मुश्किलात भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक और इंसान को अपने कंधों पर खींच सके। पर वो फिर भी उसकी जान बचाने के लिए वो कोशिश करता है जो कि मुमकिन हो, और फाइनली उस लड़की को होश आ जाता है। तो इसमें तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। पर वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें समझ नहीं पा रहा था, और अगले ही पल वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। इसमें तब उसके पास एक नोट रखकर दोबारा से उसी हेलीकॉप्टर के पास चला जाता है, जहां वो सबसे पहले तो पायलट की लाश को दफना देता है और वैसे ही सेम उसके ऊपर भी पत्थर रख देता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ जरूरत के सामानों को ढूंढना शुरू कर देता है। इसमें उसे एक आर्टिक का मैप मिलता है और साथ में लाइटर, जमे हुए नूडल्स और एक स्टोव मिलता है।
पर आखिर में उसे एक फोटो भी मिलती है जिसमें एक बच्ची भी थी, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब ये देखकर स्मिथ को बहुत बुरा लगा क्योंकि शायद इनकी जान उसी की वजह से गई होगी, क्योंकि अगर वो उसे खुद के पास नहीं बुलाता तो वो बच जाती, लेकिन जो होना था वो तो होकर रहेगा। अब ये सब सामानों को लेकर वो अपने प्लेन में आ जाता है और उस लड़की की हालत को चेक करता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश ही थी। दो दिन बाद यहाँ ठंड का मौसम आ जाए जिसमें गुजारा करना किसी आम इंसान की बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय रात में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसी बात का डर अब स्मिथ को सता रहा था। इसके बाद वो फिर से प्लेन में आ जाता है और उस लड़की के जख्म की मरहम पट्टी करता है, पर इन सब के बीच में उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो उस गैस स्टोव को जला लेता है और उसे खुद के हाथ को सेकता है। और तभी उसे कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके ट्रैप में वो मछली फंस गई है। वो उसे लेकर अंदर आता है, जो नूडल मिले थे वो उसमें मछली को मिक्स कर देता है और आज उसने तकरीबन 6 महीने बाद गर्म खाना खाया है, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं है। उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है और इसीलिए वहां से मिले हुए मैप में वो अपने बनाए हुए मैप से मैच करता है और कुछ चीजों को टिक करता है। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है लेकिन वो अभी भी होश ही पड़ी थी इसलिए वो खाने को खा नहीं पा रही थी। अब यहाँ उसे उसकी फिक्र थी, पर वो कर क्या सकता है। अगली सुबह वो फिर से मशीन लेकर ऊपर चट्टान पर जाता है, लेकिन हर बारी की तरह उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो निराश होकर वापस लौट आता है। अब वो अब ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके ऊपर अब उस लड़की की भी जिम्मेदारी आ चुकी है। वो ऐसे में उसे मरने तो नहीं दे सकता और इसीलिए वो उसके लिए एक आखिरी ट्राई मारना चाहता है। अब वो उस मैप को चेक करता है जहाँ उसे एक साइन मिलता है जो रेस्क्यू साइट का था, जहाँ पर आए दिन हेलीकॉप्टर आया करते थे, लेकिन वो जगह यहाँ से मीलों दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए, पर अब उसने ठान लिया है कि यहाँ बैठकर मरने से अच्छा है कि कोशिश करके वो मरे। इसलिए वो तैयारी करना शुरू कर देता है। पहले तो कुछ मछलियाँ पकड़ता है और फिर ढेर सारा पानी जमा करता है। इसके बाद वो एक नोट बनाकर प्लेन में रख देता है ताकि कोई भी वहां से गुजरे तो इस प्लेन को देखे तो उसे पता चल सके कि वो किस लोकेशन पर जा रहे हैं। अब इसमें आखिर में जो सबसे बड़ा काम करता है वो करता है, यानी कि उस लड़की को ऐसी चीज पर लेटाना जिसमें वो उसे खींच सके, और यहाँ वो अपने स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करता है, उसके अंदर उसे लेटा देता है और उसी स्लेट को अपनी कमर में बांध लेता है। अब जाने से पहले वो अपने प्लेन को देखता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी के कई महीने तन्हाई गुजार दिए, पर उसके पास मौत या फिर जिंदगी दो ही रास्ते बचे हुए हैं। अगर उसे रेस्क्यू पॉइंट पर कोई मिला तो वो जिंदा बच जाएगा, अगर नहीं मिला तो उस लड़की के साथ साथ वो भी कुछ दिनों के अंदर ठंड से मारा जाएगा क्योंकि उसके पास अब कोई शेल्टर नहीं है। उस एरिया में बहुत से पोलर बियर भी घूमते रहते हैं तो उसे उनसे भी सावधान रहना है। अब स्मिथ अपना सफर शुरू करता है और रास्ते भर उस लड़की से बातें करता रहता है ताकि उसे ये ना लगे कि वो अकेली है। उसे एक उम्मीद मिलती रहे, वो उसका सही से ख्याल भी रखता है, थोड़े थोड़े समय पर पानी भी पिलाता है और आराम आराम से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इतने बर्फ में किसी इंसान को खींच पाना आसान नहीं था इसलिए उसे बहुत मुश्किल होती है। एक जगह पर रुककर वो अपना मैप को देखता है और अंदाजा लगाता है कि उसे और कितना दूर चलना है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दूरी अभी तकरीबन 45 किलोमीटर है जिसे पूरा करने में अप्रॉक्स 8 दिन लगेंगे। अब स्मिथ फिर से चलना शुरू कर देता है, पर कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाता है और उसे एक शेल्टर चाहिए था क्योंकि ठंड अब 50 के पार पहुंच गई है। ऐसे में खुले में सोना मौत को दावत देने के बराबर है। वो दोनों के लिए एक इग्नू बनाता है। दरअसल इग्नू उसे कहते हैं जो बर्फ में रहने वाले अक्सर बनाया करते हैं जब वो ऐसे ही किसी सफर पर जाते हैं। अब स्मिथ भी ऐसे ही बनाता है और उसमें रात गुजारता है या कुछ ऐसा ही करता है, और फिर वो लड़की को अंदर ले जाता है जहाँ वो खाना बनाता है और उसे भी खिलाता है। अब अगले दिन वो फिर से अपनी कमर पर उसे बांधता है और निकल जाता है, लेकिन आज पहले के मुकाबले ज्यादा ठंड है इसलिए उसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। काफी देर चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ उसे कुछ सामान मिलता है जिसमें रस्सियां और कुछ खाने पीने की चीजें थी क्योंकि उसी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर रखी थी। उसे वो ले लेता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि मैप में थी ही नहीं। ये असल में एक पहाड़ था जिसके ऊपर खुद को अकेले चढ़ना आसान था, लेकिन किसी को खींच कर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। वो फिर भी कोशिश करता है क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और रास्ता उसने चूज करा था तो उसे और एक्स्ट्रा 5 दिन लगेंगे जिसमें खाना भी एक्स्ट्रा लगेगा जो कि उसके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात उस लड़की की जान जो कि अब कभी भी जा सकती है, इसलिए स्मिथ पहले तो खुद अकेले चढ़ता है और फिर वहां से रस्सी बांधकर उसे स्लेट को खींचना शुरू करता है। हालांकि वो उसे कुछ दूर तक खींच लेता है, लेकिन जब ऊपर खींचने की बारी आती है तो वो रस्सी छूट जाती है और वो लड़की सीधा नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर स्मिथ को समझ आ जाता है कि ये मुमकिन नहीं है, इसलिए वो फिर से मैप देखता है और उसे बार बार वही रास्ता दिखाई दे रहा था
पर यहाँ पर उसके दिमाग में वही बातें आ रही थी कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो ठान लेता है कि वो उस लड़की की जान बचा कर रहेगा, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी वजह से खुद की जान गंवाई है और उसे बचाने के चक्कर में वो ये उधार उसका चुका कर रहेगा। वो अपना सारा सामान ऊपर से उतारता और अब उसी लंबे वाले रास्ते की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन रात गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब इसमें चारों ओर देखता है कि कहीं उसे कोई शेल्टर मिल जाए, तभी उसे एक गुफा मिल जाती है जो शायद किसी पोलर बियर की बनाई हुई होगी, लेकिन अभी वो वहां पर नहीं है इसलिए वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर गुजारने के बाद वो खाना बनाता है, लेकिन अब गैस खत्म हो चुकी है, यानी कि इसके बाद अब आने वाले दिनों में उन्हें कच्चा ही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इससे बड़ी मुश्किल आ जाती है, स्मिथ को किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है, शायद वो पोलर बियर आ गया है जिसकी ये गुफा थी। अब वो बाहर भी भाग कर नहीं जा सकते और बियर भी अंदर नहीं आ पा रहा था। इधर स्मिथ अपनी फ्लेयर ढूंढना शुरू करता है ताकि वो उसे डरा कर भगा सके, लेकिन वो मिल नहीं रही थी और अब वो पोलर बियर अंदर घुसता जा रहा था। लेकिन सही मौके पर वो फ्लेयर जला देता है जिससे कि वो पोलर बियर डर कर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर स्मिथ को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो कल अगर बाहर निकले तो वो उसके ऊपर हमला ना कर दे। इसी डर में उसकी वो रात गुजर जाती है और आ जाता है अगला दिन। अब वो बड़ी हिम्मत करके बाहर निकलता और अपने पास देखता है तो वो बियर उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो फौरन उस जगह को छोड़कर निकल जाता है। अब कई घंटों के चलने के बाद उसे ध्यान आता है कि उस लड़की ने पानी तो पिया ही नहीं है और फिर से चलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ आ जाता है एक बर्फीला तूफान और ये तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जिसे बच पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए स्मिथ स्लेट को टेढ़ा कर देता है और दोनों के सामने रख देता है। इसके बाद वो उसी स्लीपिंग बैग में खुद को ढक कर सो जाता है ताकि वो उस तूफान से बच सके। जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। वो फौरन उठता है और उस लड़की को भी उठाता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की के मुंह से खून आ रहा है। अब वो उसके घाव को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ वो लड़की भी कुछ रिएक्शन नहीं दे रही थी, इसलिए स्मिथ को लगने लगा था कि शायद वो मर गई है। इसलिए उसके दिमाग में अब ये ख्याल आने लगते हैं कि उसे अब आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है और उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बड़ी देर बाद वो फैसला कर लेता है कि वो अकेले ही आगे बढ़ेगा। उसकी फैमिली की फोटो वो उसके पास रख कर चला जाता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो एक खाई में गिर जाता है जिसमें कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब स्मिथ को सबसे पहले दिमाग में उस लड़की का ख्याल आता है कि शायद गॉड उसको एक मैसेज देना चाह रहा हो कि वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें कैसे भी करके उसे जिंदा रखना पड़ेगा, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और स्मिथ वहीं रोने लगता है क्योंकि उस लड़की की वजह से शायद वो बच भी जाए, क्या पता वो फरिश्ता बनकर आई हो। इसलिए वो फिर से ऊपर जाता है और देखता है कि वो लड़की को होश आ गया है। वो उसे पानी मांगती है, ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे सॉरी बोलता है। वो पहली बार स्माइल करती है और स्मिथ ये देखकर रोने लगता है। वो अपने साथी को ऐसे ही छोड़कर चला गया था, उसे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब ये चीज उसके अंदर फिर से जोश भर देती है और वो फिर से उसे स्लेट पर बैठाता है और खींचना शुरू कर देता है। लेकिन उसे पैर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि एक हड्डी टूट चुकी है और वो एक लकड़ी का सहारा लेकर चलना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद वो उस स्पॉट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए उसे थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। वो उस लड़की को नीचे ही छोड़ देता है और खुद अकेले ऊपर जाकर देखता है। दोस्तों यहाँ उसे लकीली वहां पर एक हेलीकॉप्टर दिख जाता है और कुछ लोग भी मौजूद थे और इसीलिए वो फौरन उस लड़की को ऊपर लेकर आता है और फ्लेयर चलाता है, लेकिन वो लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद वो अपनी जैकेट उतार कर उसमें आग लगा देता है ताकि वो धुएं को देख सके, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस लड़की को बाहर निकालता है और उसे लेकर चिल्लाते हैं। दोनों मिलकर चिल्लाते हैं कि देखो हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं, प्लीज हमें बचा लो। पर उसके सामने ही उसकी आखिरी उम्मीद उड़ जाती है, मतलब कि वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है जिससे कि वो दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। शायद वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहीं उस लड़की के साथ लेट जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को एक ही पल में खत्म कर दिया, अगर मैं वहां तुमसे मदद नहीं मांगता तो आज तुम लोग जिंदा होते। स्मिथ उसका हाथ पकड़ता और वहीं लेट जाता है और मरते हुए भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो एक गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बालों को उड़ते हुए, और यहाँ एक चमत्कार होता है क्योंकि पीछे से हेलीकॉप्टर वापस आ चुका था क्योंकि उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो लोग स्मिथ और उसके साथी को रेस्क्यू कर लेते हैं और स्मिथ कई महीनों से यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक जाए। लेकिन जब वो लड़की आई तो उसने उसे हिम्मत दी, और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी कुछ अनजान लोग भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी छाप छोड़ देते हैं जिससे कि हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है। तो दोस्तों इस कहानी पर एम करते हैं 400 कमेंट का। वेल, अगर आप स्मिथ की जगह होते तो क्या उस लड़की को छोड़ देते या फिर अपनी जान बचाते, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।